उसी धनी चलते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, जहां से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है। टीएमसी के नेताओं का काम है गंडोगोल, टीएमसी नेताओं का काम है, टीएमसी के नेताओं का काम है, टीएमसी के नेताओं का काम है और टीएमसी के पाले हुए गुंडों का काम है जोमी दोखोल। टीएमसी के गुंडों का काम है, टीएमसी के गुंडों का काम है, टीएमसी के गुंडे खुले आम जमीन कब्जे करते हैं या नहीं, जमीन हड़पते हैं कि नहीं हड़पते हैं, जमीन लूटते हैं कि नहीं लूटते हैं, और ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में होता है कि नहीं होता है, सरकार की कृपा से होता है कि नहीं होता है, सरकार की मेहरबानी से होता है कि नहीं होता है, और सरकार क्या कर रही है, गंडोगोल। टीएमसी ने घोटालों को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया है। साथियों, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या इंडिया अलायंस की कोई और पार्टी, भ्रष्टाचार इनका कॉमन कैरेक्टर है। इंडी गठबंधन की ज्यादा पार्टियां छिपकर घोटाले करती हैं, लेकिन टीएमसी घोटालों की ओपन इंडस्ट्री चलाती है। यहां का लॉटरी स्कैम भी इसका उदाहरण है। बंगाल की जनता यहां लॉटरी घोटाले में अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुकी है। इसका नुकसान बंगाल का युवा उठा रहा है। इस लॉटरी घोटाले के पीछे कौन है, इस लॉटरी घोटाले के पीछे हैं टीएमसी के करप्ट नेता, और ये दूर दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन टीएमसी सरकार उन्हें भी बचा रही है। साथियों, टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं में भी लूट खसोट की पूरी कोशिश कर रही है। भाजपा सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देती है, लेकिन यहां टीएमसी सरकार केवल उन्हीं लोगों को पैसा रिलीज करती है या तो वो टीएमसी से जुड़े हैं या तो टीएमसी वालों को कट देते हैं। दूसरे गरीबों को ये लोग हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने दे रहे। हमने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, बंगाल सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। ये राजनीतिक फायदे के लिए बंगाल की जनता को
पानी के लिए तड़पा रहे हैं। गरीब का हक मारने वाली टीएमसी को आप 20 मई को सजा देंगे या नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? जबरदस्त सजा देंगे? उनको उखाड़ के फेंक देंगे? साथियों, टीएमसी सरकार की प्राथमिकता आप लोग नहीं है, आप लोगों का हित नहीं है, आप लोगों की भलाई नहीं है। टीएमसी का तो एजेंडा है घुसपैठियों का भला, घुसपैठियों का हित। ये भारत के लोगों को बहिरागो तो बोलते हैं, लेकिन दूसरे देशों से आए घुसपैठियों को बंगाल में कब्जा दिलवाते हैं। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठिए बोहरा गोतो है या नहीं है? ये बंगाल के लिए खतरा है या नहीं है? साथियों, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने बंगाल की पहचान को दांव पर लगा दिया है। कई इलाकों में यहां के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। टीएमसी के एमएलए खुले आम हिंदुओं को धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हिंदू कम बचे हैं, हम हिंदुओं को भागीरथी में डुबो देंगे। और टीएमसी उसका भी बचाव करती है, उसे सही ठहराती है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, इतना अमानवीय चेहरा। साथियों, आज टीएमसी सरकार में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। यहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। संदेश खाली में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। बेटियों के गुनहगारों को बचाने में टीएमसी की पूरी सरकार लग गई। कोर्ट को दखल देना पड़ा। आज आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन टीएमसी अभी भी उसके लिए बैटिंग कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस के सहजादे देश में कांग्रेस के सहजादे देश में सबकी संपत्ति की जांच करवाना चाहते हैं। वो आपकी संपत्ति की जांच करवाएंगे, आपकी कमाई, आपकी जमीन उन लोगों में बांटेंगे
जो इंडी अलायंस के लिए वोट जिहाद करते हैं, ये लोग आपके बाद भी आपकी संपत्ति में से आधा हड़पने की बात कर रहे हैं। शहजादे कह रहे हैं कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण भी मुस्लिमों को देने की बात कर रही है। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं? साथियों, विकसित बंगाल, विकसित बंगाल का सपना सिर्फ बीजेपी पूरा कर सकती है, क्योंकि वो बीजेपी का संकल्प है। आज हम बंगाल में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आज हावड़ा में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो चल रही है। पहले बंगाल को 4000 करोड़ रुपए का रेल बजट मिलता था, हमारी सरकार 14000 करोड़ रुपए रेल बजट में बंगाल को दे रही है। हम शालीमार और सांतागाछी स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। ये किसका काम है? ये किसका काम है? ये किसका काम है? ये मोदी सरकार का काम है। हमने हावड़ा ब्रिज पर लाइट एंड साउंड शो शुरू करने की पहल की थी। आज ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। साथियों, आने वाली 20 मई को आप केवल सरकार नहीं चुनेंगे, आप बंगाल का भविष्य भी चुनेंगे। आप बंगाल की सुरक्षा भी चुनेंगे। बीजेपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हावड़ा से हमारे साथी रथीन चक्रवर्ती जी को और उलूबेरिया से बैठिए, अरुण जी आप बैठिए प्लीज, भैया चोट लगेगी आपको। उलूबेरिया से अरुण उदय पॉल चौधरी को हमने उम्मीदवार बनाया है। मेरा अनुरोध है, इन्हें भारी मतों से विजयी बनाए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। जरा पूरी ताकत से बताइए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सभी पोलिंग बूथ जीतेंगे, सभी बूथ पर कमल खिलाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? देखिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाना, और घर में जाकर के प्रणाम करते हुए कहना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने
आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, सबको मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।